रहा है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो उसके विरोध में फिर से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ये आपने देखा हमारे अतुल्ला खान को जो कि विधायक है वो आए हुए प्रोटेस्ट करने में और उनका कहना है कि हमने गिराए हैं, पहले हमें पेपर्स दिखाइए। कागज जो नहीं दिखाने की बात करते थे आज वो कागज मांग रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये बुलडोजर है और यहाँ पर चिन्हित की गई हुई जगह पर ही वो चलेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि बार बार यहाँ पर जो एमसीडी के भी अधिकारी हैं वो साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही जहांगीरपुरी में भी हुआ था, बताया नहीं जा रहा था कि कहाँ पर चलेगा, उसके बाद अचानक हुआ था। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है, ये दिखाइए एक बार। महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर बुलाई गई हैं क्योंकि महिलाओं का प्रोटेस्ट काफी देखने को मिलता है शाहीन बाग में और इसीलिए एक तरफ ये पुलिस की गाड़ी है, दूसरी तरफ ये बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, आप इधर से आ जाइए तो आप दिखा पाएंगे। बिल्कुल, बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कौन से घर पर, कौन से कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ की तस्वीर अब यही है कि बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कार्रवाई जिस घर पर होनी है, जिस दुकान पर होनी है क्योंकि यहाँ सिर्फ दुकानें शुरू हो जाएगी। ठीक है अंजना, आप रहिए साथ। इस वक्त देखिए शुभांकर भी हमारे सहयोगी वहाँ पहुंच चुके हैं। शुभांकर, आप जिस जगह पर, वहाँ पर किस तरीके की स्थितियां हैं क्योंकि भारी विरोध देखा जा रहा है, लोग सड़कों पर है और बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। शुभांकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद शुभांकर तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें देखिए शाहीन बाग से आ रही हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि भारी विरोध जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसे ही कुछ हालात है। अंजना कुछ कह रही है? अंजना, बिल्कुल टकराव की स्थिति बनी हुई है, जल्दी से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए ये विरोध आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल या सियासी अखाड़ा पूरा बन रहा है। अमानतुल्ला खान भी, आम आदमी पार्टी के विधायक, अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको धीरे धीरे पुलिस अब यहाँ से ले जा रही है ताकि क्रेन के आगे का रास्ता साफ हो। मैंने भी उनसे यही पूछा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर सरकारी काम है तो उसमें बाधा डाला कानून के खिलाफ होता है। अब इन सभी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और ये तस्वीरें अब हम दिखा सकते हैं क्रेन की। जल्दी से मोड़िए, क्रेन अब आगे बढ़ रहा है, आगे का रास्ता खाली हो गया है और यहाँ पर अब पता चल जाएगा कि क्रेन कहाँ पर चल रहा है। ये दोनों आगे वाला पार्टी, अच्छा तो ये हम आपको दिखा रहे हैं एमसीडी के जो, नमस्कार, ये जो एमसीडी के है अब यहाँ पर चलेगा। फिर से एक नेता वहाँ बैठ गया है, उसको इधर मोड़कर क्रेन को लाया जाएगा और ये हम आपको दिखा दे जल्दी से। एमसीडी के अधिकारी ने हमें साफ बताया है ये जो आगे वाला आप देख रहे हैं लोहे का पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है, ये अवैध है। ठीक है, शुभांकर भी कुछ कह रहे हैं, जी शुभांकर। अर्पिता, देखिए जहाँ पर मौजूद है यहाँ बुलडोजर के ठीक सामने लोग आपस बैठ गए, देखिए तस्वीरें यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये तमाम लोग, अर्पिता, मौजूद है जो बुलडोजर के ठीक सामने खड़े हुए और इन्हें पुलिस डिटेन करके गाड़ी है जहाँ पर इन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जो बुलडोजर के ठीक सामने खड़े हुए थे और अब इन्हें दिल्ली पुलिस यहाँ से हटवा रही है। लगातार ये लोग विरोध कर रहे थे, वो तमाम लोग जो बुलडोजर के सामने आ रहे थे अब उन्हें दिल्ली पुलिस धीरे धीरे हटाने लगी है। पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है, देखिए मेरे दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बुलडोजर नजर आएगा, लेकिन इस बुलडोजर की रफ्तार जो है वो अब तेज नहीं चल पा रही है। उसकी वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। इधर देखिए, बाईं तरफ आप देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हंगामा, मारपिटाई जैसी स्थिति जो है वो यहाँ बन गई थी और बड़ी संख्या में इस वक्त शाहीन बाग की दुकानें जो है वहां पर लोग मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर इधर देखेंगे आप, वो देखिए बस, देखिए बस में ऐसे लोग जो विरोध कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे बिठाया जा रहा है, उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कोशिश कर रहा है कि यहां से इन लोगों को हटा दिया जाए ताकि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ने लगे। ठीक है शुभांकर, अंजना के पास भी कुछ अपडेट है, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। अंजना, बिल्कुल, हम ये आपको वो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, यही हटाया जाएगा, हट रहे हैं। ये देखिए उन्होंने बता दिया एमसीडी के अधिकारियों ने कि आयरन का जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसे ही हटाया जाएगा। बुलडोजर पीछे जा रहा है और यही वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें सबसे पहले आप, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा सबको क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है लोहे का जो ये पूरा स्ट्रक्चर। बिल्कुल आप दिखाइए, यहीं पे बुलडोजर चलेगा। सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी अपडेट। सुशांत जी,
देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें टॉप एंगल के जरिए बुलडोजर यहां पर खड़ा हो चुका है और जेसीबी का पंजाब आगे की तरफ बढ़ता हुआ इस पूरे अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहां पर अब कार्रवाई जो होगी और लगातार विरोध दूसरी तरफ यहां पर नजर आ रहा है और जेसीबी का पंजा जो है वो उठ चुका है। अब आगे की तरफ ये बुलडोजर जो है वो चलेगा। इस कार्रवाई को आप टॉप एंगल से देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर पुलिस इलाके के लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर अब कार्रवाई जो है वो जेसीबी करती हुई आपको नजर आएगी। जेसीबी का पंजा जो है वो आगे की तरफ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ये अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अब इस पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। ये टॉप एंगल के जरिए देखिए कि जेसीबी अब इस पूरे हिस्से में रुक चुकी है। अब यहाँ पर एमसीडी का जो पंजा है वो इधर उधर मूव करता हुआ आपको नजर आएगा और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। तमाम जो लोगों की नजरें हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। आज तक भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ के इलाके के लोकल विधायक हैं, निगम पार्षद है, तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको आगे किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको पीछे किया जाए ताकि ये लोग विरोध ना कर सकें।